बनारस, जहाँ लाखों लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, और जहाँ शिव और पार्वती का वास है। वहीं कई साल पहले एक राजकुमार भी आया था, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने अपना महल छोड़कर ज्ञान प्राप्ति करी और जाने गए बुद्धा के नाम से। और यहीं वाराणसी के बहुत पास उन्होंने अपना ज्ञान अपने 5 शिष्यों में बांटा और यहाँ से शुरू हुआ बुद्धिज्म, और ये जगह है सारनाथ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड ब्लॉक ऑफ बनारस सीरीज। माय नेम इज सौरभ एंड आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो कल हम बनारस आए थे एंड हमने दशाश्वमेध घाट कवर किया, हमने उसकी आरती देखी एंड दैट वाज रियली अमेजिंग, काफी ब्लिसफुल, काफी मैजिकल था हमारे लिए। एंड उसके बाद वी वेंट टू टेराकोटा कैफे, जिसका खाना वाज आल्सो वेरी नाइस। तो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू बनारस देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट कैफे एंड आल्सो जो आरती है वो तो जरूरी अटेंड करना। तो अभी का सीन ऐसा है कि वी विल गो टू सारनाथ, अभी हम सारनाथ के बाद करेंगे और बाकी शाम तक वी विल गो टू काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो देखते हैं कैसे कैसे प्लान जाएगा हमारा, हम अकॉर्डिंगली जो जो कवर करते रहेंगे वैसे वैसे आई विल शो यू। तो अभी चलते हैं एंड एवरीबॉडी इज रेडी, सो लेट्स गेट गोइंग। पर सारनाथ जाने से पहले जरूरी था अपनी भूख मिटाना, जिसके लिए गूगल करते हुए इन बनारस की गलियों से निकलकर हम पहुंचे राम भंडार, जो मशहूर है अपनी आलू कचौड़ी और आलू पूड़ी के लिए। राम घाट भंडार से और उसके बाद सामने से लस्सी पी के नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सारनाथ। तो उसके लिए हमें पहले ई रिक्शा या कुछ ऑटो वगैरह पकड़ना पड़ेगा, तो जिसके लिए गोइंग टुवर्ड्स द मेन रोड। पर बनारस की गलियों में घूमने का मजा बहुत आ रहा है और यहाँ पे हर गली के अंदर इतनी पेंटिंग्स हैं, इतनी पेंटिंग्स हैं और इतनी सुंदर गलियाँ हैं, चाहे छोटी हैं बट ऐसा है कि पेंटिंग से सुंदर बहुत लग रही हैं। और ये बात तो सच है कि बनारस की गलियों में घूमने का मजा तो कुछ और ही है, और यहाँ की गलियों में कुछ वक्त बिता के ही महसूस हो जाता है कि ये शहर वाकई में कितना पुराना है, तभी शायद इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी भी कहा गया है। और ऐसे ही एक इंग्लिश ऑथर ने भी कहा था कि बनारस इज ओल्डर दैन द हिस्ट्री, ओल्डर दैन द ट्रेडिशन एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। तो बनारस की उन खूबसूरत गलियों से निकलकर हमने अपना सफर शुरू किया सारनाथ के लिए, जो बनारस से बस 10 किलोमीटर की दूरी पे है और जाना जाता है अपनी खूबसूरत मोनेस्ट्रीज के लिए और बुद्धिज्म के लिए। सो वी हैव रीच्ड सारनाथ और सारनाथ में द फर्स्ट प्लेस दैट वी आर कवरिंग टुडे इट्स द जापानीज टेम्पल एंड यू कैन लुक दिस बिहाइंड मी इज द जापानीज टेम्पल। सो अभी आई विल शो यू हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। तो छोटा सा टेम्पल है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑल्सो इन बनारस। तो बनारस जब लोग आते हैं तो दे कम टू दिस जापानीज टेम्पल एज वेल। सारनाथ में देर आर वेरियस टेम्पल्स, काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। तो अभी जापानीज टेम्पल कवर करके द सेकेंड टेम्पल दैट वी हैव कम इट इज चाइनीज तिब्बतन टेम्पल एंड दिस इज राइट बिहाइंड मी। तो अभी हम इसको कवर करेंगे एंड इसके बाद वील गो टू अनदर टेम्पल आई गेस एंड फिर आगे सारनाथ का जो मेन स्तूपा है वहाँ पे।
और इस मोनेस्ट्री के बाद हम गए मुलागंधा कुटी विहारा, जिसे तिब्बतन मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। एंड इट इज प्रीटी फेमस बिकॉज यही वो जगह मानी जाती है जहाँ पे कुछ टाइम लॉर्ड बुद्धा ने मेडिटेशन किया। और इस मोनेस्ट्री की वॉच डिपिक्ट करती हैं कुछ इंसिडेंट लॉर्ड बुद्धा की लाइफ पे, जो कि एक जापानीज आर्टिस्ट ने पेंट किया। और इसी के साथ में देयर इज अनदर प्लेस जहां पे डिपिक्ट किया उस मोमेंट को जहां लॉर्ड बुद्धा अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों को वो ज्ञान बांटते हैं और जहां से बुद्धिज्म की स्थापना होती है। नाथ टेम्पल से आके वी आर हेयर, एवरीबडी इज हेयर एंड दे आर डूइंग सम साड़ी शॉपिंग, बनारस साड़ी शॉपिंग। एंड ये रवि लाश क्या कर रहा है यार। अब बनारस आए थे तो यहाँ की साड़ी देखनी तो बनती ही थी, क्योंकि यहाँ की कई मशहूर चीजों में से एक है बनारसी साड़ी। तो बस इस दुकान पे कई सारी साड़ियां देख के अपने अपने घर वालों के लिए कुछ साड़ी लेके यहाँ से हम निकल के गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर आने के लिए यू नीड टू स्कैन द QR कोड जो इधर से होता है, एंड द टिकट प्राइस इज 25 rupees पर पर्सन। वी ऑनलाइन वही पेमेंट कर रहे हैं टू गो इनसाइड द आर्कियोलॉजिकल साइट। और यहाँ की मेन अट्रैक्शन है ये धम्मिक स्तूपा और ये आर्कियोलॉजिकल साइट। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, और वो ये है कि ये धम्मिक स्तूपा और ये जो आज आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये पहले मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी जो अशोक सम्राट ने बनाई थी। क्योंकि अशोक सम्राट खुद बुद्धिज्म की टीचिंग के साथ थे तो उन्होंने यहाँ पे कई सारी मोनेस्ट्रीज बनाई, पर कई साल बाद टर्किश इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे जितनी मोनेस्ट्रीज थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे इस जगह को डिग किया गया और यहाँ पे जितने भी रिमेन्स थे उनको बाहर निकाला गया, और आज ये एक वेल मेंटेन्ड आर्कियोलॉजिकल साइट है। These are the Ashok pillars, and पहले ये एक शेप में थे, एंड इनके ऊपर जो अशोक के शेर होते हैं जो मौर्य एम्पायर डिपिक्ट करते हैं वो थे, बट इट्स ऑल ब्रोकन नाउ। तो अभी आर्कियोलॉजिकल साइट देखे, नाउ वी आर गोइंग बैक, और बहुत प्रॉम्प्टू प्लान बन रहा है इस ट्रिप के अंदर, कुछ फिक्स नहीं है, जो जो चीज़ें आ रही हैं तभी टाइम हम वो कवर कर रहे हैं। सारनाथ से निकल के वी हैव कम टू अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। तो अन्नपूर्णा बेसिकली फेमस फॉर साउथ इंडियन। तो अभी 6 बज रहे हैं तो हमने बहुत मतलब लंच किया नहीं था, तो इस वजह से वी वेरी हंग्री। तो मैंने सोचा कि यहाँ से वील हैव लंच, एंड लंच करने के बाद देन वील गो टू काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड भैरव टेम्पल। खाना खाके काल भैरव जाते टाइम हमें रिक्शे वाले भैया ने बनारस की कुछ ऐसी कहानियां बताई जो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी, और मुझे यकीन है कि ये कुछ बातें आपको भी बहुत पसंद आएंगी। साल साधु सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो काशी का दर्शन। तो काशी का दर्शन ये कहानी है, आप किसी भी पूछेंगे या अगर यहाँ का बुक भी लेंगे ना विश्वनाथ जी का जी, तो उस पे लिखा रहता पहला पार्ट पे। अच्छा, साल साधु सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो काशी, अगर इनसे आप बच गए तो काशी, काशी का दर्शन प्राप्त हो जाएगा ना, तो आप अमर है। सांड होता है, सांड के सामने आपको सामना नहीं करना है। अच्छा। और दूसरा बात, जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी उतरते समय चढ़ते समय गिना नहीं जाता है। अच्छा, सीढ़ी उतरते समय चढ़ते समय कितना गिनना नहीं चाहिए, कितना सीढ़ी हम चढ़े हैं। अच्छा, उससे भी दर्शन में हानिकारक होता है। ठीक। अच्छा, साधु पकड़ते ना भैया, बाबा कुछ खाना है, वो नहीं होना चाहिए, उनके सामने जाना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उनके सामने तुम जाना ही नहीं है, साधु के सामने आपको नहीं जाना है। और उसके बाद साधु क्या, फिर सन्यासी घाट पे रहते, जो घाट पे जिसे बैठे रहते ना, जो होता ना सर का जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी को सन्यासी, जो खोपड़ी जो इनको अघोरी भी बोलते हैं। हाँ, वही सन्यासी को नहीं बोलते हैं, सन्यासी। अगर सन्यासी अगर बुला लिए कि आप अच्छा बैठो, कहानी सुनो, नहीं जाना है, नहीं जाना, तुरंत हट जाना वहाँ से। अगर आप कहानी सुन लिए
तो फिर बेकार है, आपको काशी में आना ही फिर बेकार हो जाएगा। अच्छा ऐसा, ये चार महत्व है। लोग मरने के लिए यहाँ तरसते हैं कि काशी मरेंगे तो मुक्ति मिलेगा, तो मेन मुक्ति का जो है क्षण दर्शन, अगर चार चीज से बचे तो आपका दर्शन मुक्त है। अच्छा, ये चार चीज से बचना, चार लोगों से। अच्छा, और आप वो क्या बता रहे थे भैया कि मणिकर्णिका घाट पे नहीं जाना चाहिए? मणिकर्णिका घाट पे लेडीज लोगों का अलाउ नहीं है 5 से 9 बजे तक। 5 से 9 बजे तक लेडीज लोगों का अलाउ नहीं है 5 से 9 बजे तक। जेंट्स लोग जा सकते हैं, लेडीज लोग का अलाउ नहीं मालूम, बट क्यों अलाउ नहीं है, क्योंकि पूजा होता है, पाठ होता है, अगर वो पाठ लग गया तो फिर लेडीज लोग को संभालना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, आप कुछ करने जाएंगे गलत हो जाएंगे, समझ गए ना ये बात है। ये देखिए काल भैरव का मेन गेट है, काल भैरव का, हाँ काल भैरव का मेन गेट है, आप जाइए यहाँ दर्शन कर जाइएगा, ठीक है? आप हमको समय दे दीजिए, हम आपको समय से आपके पास आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेट होगा हम बैठे रहेंगे, वेट करेंगे आपका, ठीक है? ठीक है। अब भैया जी की बातों पे विश्वास करना चाहिए या नहीं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब तक मैं रिक्शा से काल भैरव मंदिर तक जा रहा था, तब तक उनकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, और ये भी था कि हो सकता है ये सब बातें सच भी। अभी we are going to काल भैरव टेम्पल, एंड काल भैरव टेम्पल के दर्शन करके देन वील गो टू काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो बेसिकली ये बोलते हैं कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन करने से पहले काल भैरव टेम्पल के दर्शन करने चाहिए, एंड काल भैरव टेम्पल को बनारस की पुलिस भी बोले जाते हैं, बिकॉज मतलब ऐसे होता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने के लिए आपको परमिशन मिल जाती है इफ यू गो टू काल भैरव टेम्पल फर्स्ट। लेफ्ट के लिए लगा, ओह सॉरी। काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे थे काशी विश्वनाथ मंदिर, पर उससे पहले थोड़ी पेट पूजा करने के लिए हम रुके श्री जी स्वीट्स एंड मिल्क पे, जो यहाँ पे मिठाई के लिए काफी फेमस दुकान है। तो यहाँ की रबड़ी बहुत फेमस है, कुल्फी बहुत फेमस है, और ये जो मिलाई गिलोरी, मिलाई गरोड़ी, गिलोरी नहीं गरोड़ी, वो बहुत फेमस है। और अब समय था यहाँ से निकलकर काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का, जिसके लिए हम बनारस आए थे। अच्छा लग रहा है। दिस इज द मेन काशी टेम्पल, और अभी हम यहाँ से आए जस्ट दर्शन करके। काल भैरव टेम्पल के दर्शन करने के बाद वी वेंट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि मतलब मेन है यहाँ पे, जिसके लिए हम बनारस एक्चुअली में आए थे। तो आज हमने वो कवर किया। भीड़ बहुत होती है, इवन दो अभी क्राउड कम है और टूरिस्ट कम है, तो इतनी भीड़ होती है, और अंदर जब आप मैं टेम्पल के अंदर जाते हैं तो बहुत कम सेकंड्स होते हैं आपके पास वो दर्शन करने के लिए, तो इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो बेटर है कि ऑफ सीजन में आओ। तो आज हम ये खत्म करते हैं। इफ़ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो देन डू लाइक इट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पुट अप माय नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन बाय बाय, आ गया। Came from the new Vishwanath temple. This behind me you can see is the new Vishwanath temple, and it is one of the tallest temples in India. And cheers.